वेलकम टू my चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो today आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप्स ऑफ गारंटी गारंटी कितने टाइप्स की होती है Continuing गारंटी क्या होती है और continuing गारंटी को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं या फिर टर्मिनेट कर सकते हैं सो so, इससे पहले भी मैंने गारंटी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने गारंटी और इंडेमिनिटी का डिफरेंस भी दिया है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कई बार आपको एग्जाम में कंटिन्यूइंग गारंटी के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आप उसका क्या आंसर लिखेंगे ये मैं आपको इसमें बताऊंगी देखो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, हाउ इज कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक्ड या फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है वॉट इज कंटिन्यूइंग गारंटी हाउ इट कैन बी रिवोक्ड और टर्मिनेटेड तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा ओके okay? सबसे पहले कंटिन्यूइंग गारंटी बताने से पहले या फिर टाइप्स ऑफ गारंटी बताने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट डिफॉल्टे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए गारंटी देता है कि अगर ये पर्सन अपने टाइम पे आ, अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं कर सका तो इसकी जगह पे उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं किसी दूसरे की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना अगर उस पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया इसका एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा ए रिक्वेस्ट बी टू गिव रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड टू सी ए ने बी को रिक्वेस्ट करी कि तुम पचास हजार रुपए सी को दे दो और उसने गारंटी ली ए ने सी की कि सी जो है वो एक साल के अंदर अंदर पैसे वापस कर देगा अगर सी एक साल के अंदर अंदर पैसे वापस ना कर पाया तो ए ने बी को कहा कि तो उसकी जगह पे पचास हजार रुपये मैं तुम्हें दूंगा तो यहाँ पे ए ने गारंटी दी है बी को किसके बिहाफ पे सी के लिए गारंटी दी है तो यहाँ पे ए जो है वो श्योरिटी हो गया जो पर्सन गारंटी देता है गारंटर जो होता है उसको हम श्योरिटी बोलते हैं तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया अब आ जाओ टाइप्स ऑफ गारंटी गारंटी हमारी टू टाइप्स की होती है रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी और प्रोस्पेक्टिव गारंटी वैसे डिफरेंट बुक्स में आपको बहुत टाइप की गारंटी मिल जाएगी लेकिन बेसिकली जो मेजर टाइप्स ऑफ गारंटी होती है वो यही होती है रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव गारंटी और आगे प्रोस्पेक्टिव गारंटी भी आगे टू टाइप्स की होती है स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी फर्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी अ गारंटी गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग डेट और ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी जो गारंटी प्रेजेंट डेट के लिए दी जाती है मीन जो अभी हमने उधार लिया है उसके रिगार्डिंग दी जाती है उसको रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं और प्रोस्पेक्टिव गारंटी होती है जो फ्यूचर में अगर हम कोई उधार लेंगे उसके रिगार्डिंग दी जाती है तो उसको प्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं अ गारंटी गिवन फॉर अ फ्यूचर डेट और ऑब्लिगेशन इज अ प्रोस्पेक्टिव गारंटी और जो प्रोस्पेक्टिव गारंटी होती है वो टू टाइप्स की होती है फर्स्ट इज स्पेसिफिक गारंटी वेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू सिंगल ट्रांजेक्शन जब एक गारंटी जो है वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग दी जाती है या फिर सिंगल डेट के रिगार्डिंग दी जाती है तो उसे हम स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं सच गारंटी कम्स टू एन एंड विद द डिस्चार्ज ऑफ ए डेट जैसे ही डेट पूरा हो जाता है मींस डेट की पेमेंट हो जाती है तब ये गारंटी खत्म हो जाती है जो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन के लिए होती है जैसे एग्जाम्पल ए रिक्वेस्ट बी टू गिव रूपीज फिफ्टी थाउजेंड टू सी वही एग्जाम्पल ले लिया है मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपको दी थी कि जैसे ए ने बी को रिक्वेस्ट करी कि तुम सी को पचास हजार रुपए दे दो और सी इस साल के एंड में तुम्हें पेमेंट कर देगा अगर सी पेमेंट नहीं कर पाया तो उसकी जगह पे पेमेंट तुम मुझसे ले लेना तो यहां पे ए ने बी को सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड के लिए दी है गारंटी मीन्स एक ही हम, एक ही ट्रांजेक्शन के लिए कि आप पचास हजार रुपए तुम उसे उधार दे दो तो एक ही ट्रांजेक्शन के लिए है तो ये जो है ये स्पेसिफिक गारंटी हो गई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेन ए गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइन कहता है कि अगर गारंटी हमारी एक ट्रांजेक्शन तक सीमित नहीं रहती है मीन्स उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती हैं तब उसे कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं है, है, तो है, जैसे की एग्जाम्पल आपको बताती हूँ ए इन कंसिडरेशन बी विल इम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट्स ऑफ बी जमीदारी ए जो है उसने बदले में कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन उसने बी को बोला कि बी विल एम्प्लॉय सी कि तुम सी को एम्प्लॉय करो रेंट्स को कलेक्ट करने के लिए अपने लिए ठीक है वो जो है तुम्हारे लिए रेंट को कलेक्ट करेगा बी एक जमींदार है प्रोमिस बी टू बी अ गारंटर फॉर सी एंड रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड एंड फॉर ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दो ए ने बी को सी को रखने के लिए बोल दिया कि तुम अपने पास उसे रख लो रेंट को कलेक्ट करने के लिए और मैं पांच हजार तक उसकी सारे ट्रांजेक्शन के लिए जिम्मेदार हूं मीन पांच जिम्मेदार हूं अगर वो तुम्हें पेमेंट नहीं देता है लाके तो उसकी पेमेंट जो है वो तुम्हें मैं करूंगा तो फिर वो पांच हजार तक सीमित है ठीक है तो ए जो है वो फाइव थाउजेंड तक गारंटी दे रहा है सी के लिए बी को ठीक है तो अब ये है कि सी उसमें अगर उसमें टेंथ ट्रांजेक्शन होती है इलेवन भी हो सकती है ट्वेल्व भी हो सकती है तो वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए है उसने सिर्फ अमाउंट फिक्स करा है लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन कितनी भी हो सकती है तो ये एक कंटिन्यूइंग गारंटी है ये एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए है तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ए कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी के क्या फीचर्स होती हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या नेचर होता है तो ये एक ही वर्ड होता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सच गारंटी इज़ वैलिड फॉर ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड दैट द ट्रांजेक्शन आर विद इन द लिमिट ऑफ गारंटी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड टाइम पीरियड ये जो गारंटी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी वो एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है कि मीन्स लाइन वाइज ये ट्रांजेक्शन्स होंगी प्रोवाइडेड लेकिन वो ट्रांजेक्शन अमाउंट और टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी फाइव थाउजेंड वाली उसमें गारंटर ने क्या कर दिया था फाइव थाउजेंड का अमाउंट फिक्स कर दिया था तो जितनी भी ट्रांजेक्शन पांच हजार के अंदर अंदर होगी उतने के लिए वो जिम्मेदार है लेकिन अगर पांच हजार से ऊपर हो गई तो फिर वो जिम्मेदार नहीं है ठीक है तो ऐसे ही टाइम पीरियड का भी केस है कि जरूरी नहीं है इंसान अमाउंट फिक्स करे कई बार कोई पर्सन अगर दो साल के लिए किसी की गारंटी देता है कि दो साल के लिए मैं इस पर्सन की तुम्हें गारंटी देता हूं तो दो साल तक जो गारंटी होगी उसमें कितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं तो वो भी कंटिन्यूइंग गारंटी की एग्जांपल है ओके okay? तो बट अमाउंट और टाइम पीरियड कौन फिक्स करता है ये श्योरिटी फिक्स करता है सेकेंड इज द श्योरिटी रिजर्व द राइट टू बी केप्ट इन्फॉर्मड अबाउट द प्रोबेबल फ्यूचर ट्रांजेक्शन श्योरिटी के पास ये हक होता है कि क्रेडिटर जब भी अपने आ, वो जिसके जिसके लिए वो गारंटी मांग रहा है उसके साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो वो श्योरिटी को बताता रहे कि ये ये ट्रांजैक्शन जो है ये पर्सन के साथ मैं कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग श्योरिटी को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नेक्स्ट इज इन द एबसेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी द कंटिन्यूइंग गारंटी टर्मिनेट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ गारंटर अब देखो इसका क्या मतलब होता है इस लाइन का इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी ये आपको लॉ में बहुत जगह मिलना लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है अगर गारंटर की डेथ हो जाती है सपोज अगर गारंटर ने डेथ से पहले ठीक है जब गारंटी दी थी उसी टाइम एग्रीमेंट कर लिया था कि मेरी डेथ के बाद भी मेरी गारंटी कंटिन्यू रहेगी जो मेरा अगला सक्सेसर होगा मींस जो मेरा बेटा होगा वो उस का फिर गारंटर बन जाएगा तो उस केस में फिर वैसे ही होगा जैसे एग्रीमेंट हुआ है लेकिन इन द एबसेंस एब्सेंस मतलब नहीं अगर एग्रीमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उस केस में कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है गारंटर की डेथ से ये आगे पॉइंट आएगा इसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी नेक्स्ट इज इफ द श्योरिटी दैट इज द गारंटर सो डिजायर डिजायर्स का मतलब होता है इच्छा करना ही कैन स्पेसिफाई द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ गारंटी एट द टाइम ऑफ गिविंग द गारंटी गारंटी देते वक्त अगर श्योरिटी को लगता है उसकी इच्छा है तो वो पीरियड या फिर अमाउंट फिक्स कर सकता है कंटिन्यूइंग गारंटी का मीन्स वो ऐसे कह सकता है कि मैं दो साल के लिए इसकी गारंटी दे रहा हूं उसमें ये कितनी भी ट्रांजेक्शन करे लेकिन दो साल तक मैं इसके काम के लिए जिम्मेदार हूं या फिर वो अमाउंट फिक्स कर सकता है कि मैं पचास हजार तक की गारंटी देता हूं तो ये श्योरिटी की इच्छा है वो दे भी सकता है और वो नहीं भी दे सकता ठीक है लेकिन जो कंटिन्यूंग गारंटी होती है वो आप हमेशा याद रखना वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है वो एक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होती है नेक्स्ट इज रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यूंग गारंटी हम कंटिन्यूंग गारंटी को कैसे रिवोक कर सकते हैं रिवोक मतलब कैंसिल टर्मिनेट का मतलब भी कैंसिल ही होता है तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं आप कैसे कंटिन्यू गारंटी को कैंसिल कर सकते हो एक श्योरिटी अगर चाहे तो वो कर सकता है फर्स्ट इज बाय नोटिस नोटिस दे के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 130 के अंडर ए कंटिन्यूंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी गिविंग अ नोटिस टू द क्रेडिटर ऑफ सच रेवोकेशन एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन श्योरिटी कौन होता है जो गारंटी देता है जो गारंटर होता है श्योरिटी का जब मन करेगा वो कभी भी किसी भी वक्त कंटिन्यू गारंटी को रिवोक कर सकता है कैंसिल कर सकता है पर कैसे कैंसल करेगा उसको नोटिस देना पड़ेगा क्रेडिटर को कि इस तारीख के बाद मैं इस पर्सन के लिए गारंटर नहीं हूं मतलब अब इस तारीख के बाद मैं श्योरिटी नहीं हूं मैं अब गारंटी नहीं दूंगा इस तारीख के बाद लेकिन जब भी वो रेवोकेशन करेगा इन द इवेंट ऑफ द रेवोकेशनिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द क्रेडिटर फॉर एनी फ्यूचर फनीशन अगर उसने नोटिस दे दिया है क्रेडिटर को तो वो फ्यूचर के लिए अब नहीं है बट वो सिर्फ उन ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि नोटिस देने तक की गई हैं ठीक है ठीके? जो भी ट्रांजेक्शन नोटिस देने से पहले हुई हैं उन सब के लिए तो श्योरिटी जिम्मेदार है क्रेडिटर को लेकिन उसके बाद नोटिस की डेट के बाद वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स ए कंटिन्यूंग गारंटी टू सी टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड टू बी ए ने कंटिन्यूंग गारंटी दी किसको दी सी को दी किसके रिगार्डिंग कि आप बी को इक्कीस हजार तक का जो है वो गुड्स दे दो कुछ समय बाद ए ने अपनी गारंटी वापस ले ली रिवोक कर ली कैंसिल कर ली लेकिन रिवोकेशन के टाइम पे बी को दस हजार रुपये सी को जो देने थे ठीक है दस हजार थे जिसके रिगार्डिंग बी ने गुड्स कुछ रिसीव करे थे सी से ठीक है कुछ गुड्स लिए होंगे खरीदे होंगे उसने सी से तो उसके रिगार्डिंग उसने दस हजार रुपए उसको देने थे इन दिस केस ए इज लॉफुली बाउंड टू पे दिस अमाउंट तो ये जो है दस हजार रुपये जब उसने रिवोक करा उस दिन तक थे उसके पेंडिंग तो यहां पे ए जो है वो दस हजार रुपये पे करेगा लेकिन उस डेट के बाद जिस दिन उसने रिवोक करा उसके बाद अगर बी कुछ पैसे लेता है या फिर कोई गुड्स लेता है एस, आ, उससे, सी से, उससे तो उस केस में जिम्मेदार नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट इज बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है ये वही पॉइंट आ गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131. थर्टी वन इन द एबसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी ये लाइन आपने जरूर लिखनी है क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है सिर्फ उसी केस में श्योरिटी की डेथ जो है वो कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर देती है खत्म कर देती है क्योंकि अगर श्योरिटी की डेथ ही हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ बचा लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहले से अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है पहले से श्योरिटी और क्रेडिटर का तो उस केस में वो ख़त्म नहीं होती है मैं एग्जांपल से आगे आपको बताऊंगी बट सच रेवोकेशन डज नॉट अफेक्ट ट्रांजैक्शन विच वर एग्जीक्यूटेड प्रायर टू द डेथ ऑफ श्योरिटी लेकिन ऐसी रेवोकेशन उन ट्रांजैक्शन पे कोई असर नहीं होगा जो कि उस श्योरिटी की डेथ से पहले हुई है जो ट्रांजेक्शन श्योरिटी की डेथ से पहले हुई है उसके लिए श्योरिटी जिम्मेदार है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा उसको फुलफिल करेगा ठीक है लेकिन जो ट्रांजेक्शन श्योरिटी की डेथ के बाद होती है उसके लिए फिर कोई जिम्मेदार नहीं है अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं हुआ है स्टार्टिंग में जैसे कि ये केस है केस ऑफ दुर्गा प्रिया चौधरी वर्सेस दुर्गा प्रसाद रॉय का इसमें क्या हुआ था इन दिस केस इट वाज़ हेल्ड दैट इट हैज बीन एग्रीड बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर इस केस में श्योरिटी और क्रेडिटर में पहले से ही एक एग्रीमेंट हो रखा था जिसमें उन्होंने क्या एग्रीमेंट करा था दैट द गारंटी विल बी वेरिड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर द श्योरिटी डेथ एंड विल बी पेएबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी देन द श्योरिटी सक्सेसर इज बाउंड बाय सच प्रॉमिस जिसमें श्योरिटी और करेक्टर ने पहले से एक एग्रीमेंट करा था कि श्योरिटी की डेथ के कुछ समय बाद कुछ समय तक स्पेसिफाइड पीरियड कुछ भी हो सकता है उन्होंने क्या स्पेसिफाई करा था उन्होंने एग्रीमेंट करा था कि इतने समय तक मेरी डेथ के बाद जो है तब भी मैं गारंटर ही रहूंगा और जो पेमेंट होगी वो मेरी प्रॉपर्टी से होगी और उसे कौन पे करेगा मेरा सक्सेसर सक्सेसर कौन होता है जो उस पर्सन का अगला जो उस चीज को संभालता है जैसे कि उसका बेटा हो गया तो वो मेरी प्रॉपर्टी से पेमेंट होगी तो अगर तो श्योरिटी ने ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर लिया पहले ही डेथ होने से पहले तो फिर तो उसकी प्रॉपर्टी से ही पेमेंट होगी लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो कंटिन्यूंग गारंटी है वो खत्म हो जाती है श्योरिटी की डेथ से नेक्स्ट इज बाय वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन का मतलब लॉ की लैंग्वेज में होता है चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 थर्टी थ्री इफ एनी वेरिएशन हैज बीन मेड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन द क्राइटर एंड द प्रिंसिपल डेटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी नॉलेज और श्योरिटी ऑफ आएगा यहाँ पे नॉलेज ऑफ श्योरिटी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज रिवोक्ड अगर सेक्शन 133 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कोई चेंजेस कर लेते हैं कौन चेंजेस कर लेते हैं क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर वो आपस में कोई चेंजेस कर लेते हैं बिना श्योरिटी को बताए तो उस केस में जो श्योरिटी होती है श्योरिटी जो होता है उसकी गारंटी खत्म हो जाती है क्योंकि उसे बताया नहीं गया और उसे बिना बताए ही क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने चेंजेस कर दिए नेक्स्ट इज नोवेशन नोवेशन का मतलब होता है न्यू वेन पार्टीज एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टीज कौन है पार्टीज यहाँ पे क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर वो आपस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करके मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में उसे खत्म करके उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल करना या फिर ऑल्टर कर देते हैं ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस करना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो उस केस में भी जो पर्सन श्योरिटी है वो जो है वो अपनी गारंटी को रिवोक कर लेता है उसकी रिवोकेशन हो जाती है अगर उसको नहीं बताया गया है नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 थर्टी फोर वेन अ क्रेडिटर डिस्चार्ज इज प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम द लाइबिलिटी द श्योरिटी ऑल्सो गेट्स डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी तभी लाइबल होता है अगर प्रिंसिपल डेटर लाइबल होगा तो अगर प्रिंसिपल डेटर को ही क्राइटर ने डिस्चार्ज कर दिया है उसने कह दिया कि तेरे को ही पेमेंट करने की जरूरत नहीं है या फिर प्रिंसिपल डेटर ने ही पेमेंट कर दी है तो श्योरिटी तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा सपोज टेन थाउजेंड रुपीज प्रिंसिपल डेटर ने क्राइटर को देने थे और प्रिंसिपल डेटर ने टेन थाउजेंड रुपीज क्राइटर को दे दिए तो यहाँ पे श्योरिटी तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ने ही पेमेंट कर दी तो अब श्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वो भी अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है मतलब मुक्त हो जाता है अपनी जिम्मेदारी से ठीक है नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टू सेक्शन 141 अ क्राइटर सिक्योरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट द द श्योरिटी गेट्स एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी अगर क्राइटर ने कुछ सिक्योरिटी के बदले में पैसे दिए हैं प्रिंसिपल डेटर को सपोज उसने बीस तीस हजार का लोन दिया है प्रिंसिपल डेटर को और बीस हजार की सिक्योरिटी ली है उसने प्रिंसिपल डेटर से उसके बदले में और श्योरिटी ने गारंटी दी है उस पेमेंट की और अगर जो प्रेडिटर है वो ट्वेंटी थाउजेंड की वो जो श्योर जो सिक्योरिटी उसने उससे ली है सपोज़ वो पेपर्स लिए हैं किसी चीज़ के जो कि ट्वेंटी थाउजेंड की थी अगर उसने वो पेपर्स खो दिए वो सिक्योरिटी खो दी तो उस केस में जो श्योरिटी है वो ट्वेंटी थाउजेंड तक जितने की वो वैल्यू थी उस सिक्योरिटी की उतने तक उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है तो मीन्स अब जैसे थर्टी का लोन दिया था क्रेडिटर ने ट्वेंटी थाउजेंड तक की क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी थी तो ट्वेंटी थाउजेंड की उसने गुम कर दी सिक्योरिटी तो यहां पे अब सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ टेन थाउजेंड तक लाइबल रह जाता है वो उतने अमाउंट तक डिस्चार्ज हो जाता है ठीक है तो ये था हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे वो होती है अब इसमें एक और पॉइंट आप ऐड करोगे इनवैलिड गारंटी एक गारंटी जो है वो कब इनवैलिड हो जाती है ठीक है जब हम कहते हैं कि गारंटी इनवैलिड हो गई है वो अब वैलिड नहीं है आप उसे वो नहीं कर सकते इन्फोर्स नहीं कर सकते फर्स्ट इज गारंटी ऑप्टेंड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आपने किसी से गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ली है या फिर अगर आपने कंसील किया है कोई फैक्ट या फिर गारंटी ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग कोश्योरिटीज ये एक एक करके हम करेंगे फर्स्ट इज गारंटी ऑप्टेंड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन एकक्शन वन फोर्टी टू एनी सच गारंटी विच इज ऑपटेन्ड बाइटर बाय मिस रिप्रेजेंटिंग सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन द गेंटी ऑफ द श्योरिटी बिकम इन वैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आपने किसी पर्सन से गारंटी उसको मिसरिप्रेजेंट mis करके ली है मीन्स उसको सही चीज़ ना बता के कुछ और ही बता के उससे गारंटी ले ली है तो उस केस में जो श्योरिटी होता है उसकी गारंटी इनवैलिड हो जाती है किस ग्राउंड पे कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे एग्जाम्पल देती हूं ए ने बी को मैनेजर एज अ मैनेजर अपॉइंट करा अपनी फर्म में बट उसने सी को क्या बताया ए ने कि मैंने बी को अपनी फर्म में ऑडिटर बनाया है ऑडिटर की पोस्ट दी है तो यहाँ पे उसने बी को रखा तो एज अ मैनेजर है लेकिन उसने सी को बताया है एज एन ऑडिटर मैंने उसे रखा है तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया ठीक है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में यही अंतर होता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑनेस्टली होती है और फ्रॉड जानबूझ के होता है तो ऑन दैट एजम्शन सी गिव्स अ गारंटी अब सी को ये सी को पता चल गया कि बी जो है वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो सी ने क्या करा बी के गुड कंडक्ट की गारंटी दे दी कि हाँ भाई इसकी गारंटी मैं देता हूं C's guarantee in that case has been obtained by misrepresentation. यहाँ पे C की गारंटी जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन की गई है क्योंकि उसे बताया गया है कि वो ऑडिटर है B जबकि वो ऑडिटर नहीं है वो एक्चुअल में मैनेजर है तो यहाँ पे C की जो गारंटी है वो इनवैलिड हो जाएगी और C जो है वो B के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। Next is guarantee by concealment. कंसील Conceal का मतलब होता है छुपाना। जब आप कोई चीज छुपा के किसी से गारंटी लेते हो तो वहाँ पे भी गारंटी इनवैलिड हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी सच गारंटी व्हिच इज़ ऑपटेन्ड बाय क्रेडिटर कोई भी ऐसी गारंटी जो कि क्रेडिटर छुपा के कंसील करके और कीपिंग साइलेंट अबाउट या फिर चुप रह के सम इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड अगर कोई क्रेडिटर किसी एक्ट को छुपा के या फिर उसमें जहाँ उसे बोलना चाहिए था वहां पे चुप रह के इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को छुपा लेता है या फिर वहां पे चुप रह लेता है तो वहां पे जो गारंटी होती है वो इनवैलिड हो जाती है अब एग्जांपल बताती हूँ इसमें ए ने बी को अपॉइंट करा अपनी फॉर्म में क्लर्क के लिए ठीक है क्लर्क रखा उसने किस चीज के रिगार्डिंग फॉर द कलेक्शन एंड डेट्स पेबल टू ए मीन्स जो जो मेरे पास पैसे आएंगे उसका मुझे सारा अकाउंट तुम देना ठीक है ए ने बी को रख लिया बी ने क्या करा द ही डज नॉट गिव प्रॉपर अकाउंट ऑफ इंफ कलेक्शन इन सम केसेस अब बी ने कुछ चीजों में प्रॉपर अकाउंट उसे शो नहीं करा मीन्स कुछ गड़बड़ कर दी उसने काम में तो ए बी के पास गया और उसने कहा कि तुम ऐसे करो तुम ना कोई गारंटी लेके आओ जो पर्सन तुम्हारी गारंटी ले सके ठीक है दैट ही गिव्स अ प्रॉपर अकाउंट ताकि तुम सही से काम कर सको तभी मैं तुम्हें आगे फर्दर रखूंगा एट द इंस्टेंस ऑफ ए अब ए के इंस्टेंस पे कहने पर सी ने गारंटी दे दी किसकी बी की ठीक है अब सी आ गया बी की गारंटी देने के लिए कि मैं बी की गारंटी देता हूं बट अब यहां पे क्या है ए डस नॉट डिस्क्लोस द पास्ट बिहेवियर ऑफ बी टू ए अब यहां पे ए की जिम्मेदारी बनती थी सी को बताना कि तुम इस पर्सन की गारंटी ले तो रहे हो लेकिन ये गड़बड़ करता है ये चीज का ध्यान रख लो तो यहां पे ए जो है डिस्क्लोस होता है बताना तो यहां पे ए ने बी ए ने सी को ये चीज नहीं बताई ठीक है ए डज नॉट डिस्कलोज द पास्ट बिहेवियर ऑफ बी टू ए ठीक है तो यहां पे बी टू ए नहीं आएगा यहां पे बी टू सी आएगा पॉइंट ठीक है तो ए ने बी के बिहेवियर की बात जो है वो सी को नहीं बताई इफ बी अगेन डज एनी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी अब अगर बी दोबारा से कोई मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करता है तो यहां पे सी जिम्मेदार नहीं है क्यों बिकॉज ही वॉज कैप्टन डार्क अबाउट द प्रीवियस मिसअप्रोप्रिएशन ऑन द पार्ट ऑफ बी क्योंकि कैप्टन डार्क का मतलब है क्योंकि सी को पहले से ही अंधेरे में रखा गया था बी के काम के रिगार्डिंग उसे बताया ही नहीं गया था कि इसने पहले भी गड़बड़ करी है जिसकी तुम गारंटी ले रहे हो तो यहाँ पे उससे एक इंपॉर्टेंट चीज छुपाई गई तो छुपा के अगर आपने किसी से गारंटी ली है तो फिर वो पर्सन जो है वो इनवैलिड उसकी गारंटी हो जाती है और वो लाइबल नहीं होता है बस आप यहाँ पे ये यह करेक्ट कर लीजिएगा ए डज नॉट डिस्कलोज द पास्ट बिहेवियर ऑफ बी टू यहाँ पे टू के बाद सी है ए नहीं है ओके नेक्स्ट इज गारंटी ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग कोश्योरिटीज कई बार क्या होता है एक पर्सन कहता है कि मैं गारंटी तभी दूंगा अगर मेरे साथ एक और श्योरिटी ज्वाइन कर लेगा मैं मतलब मैं अकेला गारंटी नहीं दूंगा इस पर्सन की मेरे साथ एक और पर्सन ज्वाइन करे तभी मैं गारंटी दूंगा तो अगर वो को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तो फिर वो गारंटी इनवैलिड हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन फोर्टी फोर वेन अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द कराइटर शेल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज इट एज अ को श्योरिटी गारंटी इज नॉट वैलिड इफ द अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन अगर दूसरा पर्सन ज्वाइन नहीं करता है तो गारंटी वैलिड नहीं होती है जैसे इसकी एग्जाम्पल है कमल एंड विमल मेक्स अ कॉन्ट्रेक्ट दैट इफ द चमन एग्रीज टू ज्वाइन कमल एज अ कोश्योरिटी कमल और विमल ने अबल में कॉन्ट्रैक्ट करा कि अगर चमन जो है कमल के साथ एज अ कोश्योरिटी ज्वाइन करेगा तभी जो है वो गारंटी uh, का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कमल जो था वो तो गारंटी देने के लिए तैयार था किस चीज के रिगार्डिंग पचास हजार रुपए के लिए किसके लिए कृष्ण के लिए कि कृष्ण के लिए गारंटी देने के लिए कमल तो तैयार था लेकिन चमन ने क्या करा उसने मना कर दिया कोश्योरिटी ज्वाइन करने के लिए किसको कमल को को श्योरिटी होता है जब दो श्योरिटी होते हैं तो फिर हम को श्योरिटी बोल देते हैं उसको इन दिस केस कमल कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिश्चन गुड कंडक्ट तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही यही था कि चमन ज्वाइन करेगा तो चमन ने मना कर दिया वो ज्वाइन नहीं किया उसने तो यहाँ पे जो है कमल कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिश्चन गुड कंडक्ट तो जो कमल है इट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल तो कमल जिम्मेदार नहीं होगा यहाँ पे क्रिश्चन के अच्छे कंडक्ट के लिए ओके तो ये था हमारा कंटिन्यूंग uh, गारंटी का टॉपिक टाइप्स ऑफ गारंटी और कैसे हम कंटिन्यूंग गारंटी को रिवोक कर सकते हैं तो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक like, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू